आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 8 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था दैट इज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, दैट इज 1 से लेके 4 तक, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का दैट इज 1 से लेके दैट इज 5 तक वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 का जितना भी क्वेश्चन था, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने हर एक दैट इज क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के हर एक वीडियो को अपलोड किया। और अभी तक हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2 दैट इज चैप्टर रिविजन एंड चैप्टर 6 और चैप्टर 8 मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको और चैप्टर दैट इज 11 दैट इज कंस्ट्रक्शन वो भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको सारा इन सभी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। और मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है दैट इज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर में, दैट इज हम लोग को ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया उसको लिख देते हैं, LHS इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रूट के अंडर में मैं क्या करूंगा इसका रेशनलाइज करूंगा। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग रेशनलाइज करने जा रहे हैं दैट इज 1 प्लस साइन ए सेम डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए सेम, ठीक है। इसके बाद इंटू ये जो टर्म है इसको मैं सेम लिखूंगा, बस ये माइनस है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा दैट इज प्लस, ठीक है। तो माइनस से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और नीचे भी क्या होगा 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद क्या होगा दैट इज इसके बाद ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या होगा दैट इज 1 प्लस साइन ए इंटू फिर 1 प्लस साइन ए फिर होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिया है 1 माइनस साइन ए फिर 1 इंटू 1 प्लस इंटू 1 प्लस दैट इज साइन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोनों सेम टर्म है, तो अगर ये दोनों सेम टर्म है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे दैट इज इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट इज वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं दैट इज ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा दैट इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये जो रूट है ये दोनों का साथ होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ रूट को डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो रूट है ये रूट इसके साथ भी होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज ये रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस और ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा दैट इज 1 प्लस और ऊपर क्या बचा दैट इज साइन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस साइन ए सेम रहेगा। अब हम लोग जानते हैं दैट इज इक्वेशन दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को सिंगल छोड़ू तो ये प्लस है इससे जन से क्या होगा माइनस, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हम लोग कॉस स्क्वायर,
तो इसके लिए आप क्या लिखूंगा, दैट इज रूट ओवर कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट और ये जो स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए बचा। ठीक है, अब ये जो कॉस ए है ये इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं दैट इज वन बाई कॉस ए, ये प्लस का प्लस, फिर साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे वन बाई कॉस, वन बाई कॉस हम लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज सेक ए इक्वल टू होता है वन बाई कॉस ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे वन बाई कॉस किसका फॉर्मूला, सेक ए का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस का प्लस। अब साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं टेन ए इक्वल टू क्या होता है, दैट इज साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो टेन ए की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट इज साइन ए बाई कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन, तो यहाँ पे क्या हुआ, टेन, और वही हमारा क्या है, दैट इज आर एच एस। ठीक है, तो ये हमारा आर एच एस आ गया। ठीक है, तो एल एच एस लेके मैंने आर एच एस प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोई एक क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट लाइन में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, दैट इज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर। ठीक है, तो इसके बाद दैट इज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोग को राइट हैंड साइड लेके आना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो एल एच एस क्या दिया हम लोग को, दैट इज साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, यहां पे हम लोग को, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो न्यूमेरेटर में साइन थीटा कॉमन है, मतलब इसमें भी साइन थीटा है और इसमें साइन क्यूब थीटा है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, यहां से साइन थीटा कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, साइन थीटा कॉमन। ठीक है, तो जैसे ही मैं साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इधर, ओनली वन। ठीक है, माइनस का माइनस, टू का टू। अब यहां पे साइन क्यूब थीटा था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बचेगा, ओनली साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद यहां पे अब डिनोमिनेटर में से मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूं, तो अगर मैं कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या होगा, कॉस थीटा कॉमन ब्रेकेट, यहां पे क्या बचेगा, तो टू बचेगा, और यहां पे क्यूब, कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस, अब ये कॉस थीटा कॉमन ले लिया था तो क्या बचेगा, ओनली वन। ठीक है, इसके बाद यहां पे अब हम लोग जानते हैं साइन बाई कॉस क्या होता है, दैट इज सेम, या इसको हम लोग सेम लिखेंगे, इसको बाद में चेंज करेंगे। अब यहां पे ये वाला सेम रहेगा, दैट इज ब्रेकेट वन माइनस टू, अब हम लोग जानते हैं दैट इज एक फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को सिंगल छोड़ू, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ये राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इनप्लेस ऑफ दैट इज इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को सिंगल छोड़ू, तो साइन स्क्वायर थीटा को सिंगल छोड़ने से ये कॉस उस साइड चला जाएगा, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मैं क्या पुट करूंगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला से आया, तो मैं यहाँ पे टू का टू लिख दिया ब्रेकेट, अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रेक क्लोज। ठीक है, ये भी ब्रेकेट क्लोज, अब होल डिवाइडेड बाई, अब कॉस थीटा सेम ब्रेकेट ऊपर क्या है, दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब यहां पे साइन थीटा सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैं यहां पे इसको मल्टीप्लाई करता हूं, वन का वन रहेगा, अब ये माइनस ये दोनों का साथ इंटू होगा। ठीक है, तो माइनस टू इंटू वन माइनस टू,
और माइनस माइनस प्लस और टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इट बिकम टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, दैट इज नीचे वाला सेम कॉस थीटा, देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहां पे करता हूं, इसके बाद यहां पे देखिए साइन बाय कॉस, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला दैट इज टेन थीटा का। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, दैट इज टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा लिख देता हूं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे ब्रेकेट का ब्रेकेट लिखेंगे, अब वन में से टू गया तो वन में से टू गया तो कितना होगा माइनस वन इसका आंसर, इसके बाद प्लस का प्लस और ये वाला सेम दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद नीचे वाला जो है उसको हम लोग सेम लिखेंगे, तो क्या दिया है दैट इज कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं होगा क्योंकि साइन बाय कॉस हम लोग टेन थीटा कर चुके हैं, तो नीचे वाला क्या बचा सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, इसके बाद अब ये टेन थीटा का टेन थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा दैट इज देखिए इसको, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों टर्म सेम है तो हम लोग इसको काट सकते हैं, लेकिन इसका और एक स्टेप कर देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। यहां पे क्या करेंगे, मैं माइनस वन को उस साइड देता हूं, ठीक है, और इसको आगे लेता हूं, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस वन है तो माइनस वन लिख दिया, फिर ये वाला सेम नीचे वाला दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखिए आप लोग एकदम सेम टू सेम आ गया, तो आप क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दैट इज टेन थीटा, जो कि हमारा दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का दैट इज 8 एंड 9। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।